साथियों, जैसे कि ब्लड बैंक के बारे में निकल के आ रहा है कि ब्लड बैंक आ गया है, ये कैसे कैसे लोन को रिकवर करेगा, क्रेडिट कार्ड के करेगा, पर्सनल लोन करेगा, बिजनेस लोन करेगा, या किस तरह के लोन को ये कवर करेगा, या स्कूटर मोटरसाइकिल कार जीप के लोन को कवर करेगा, मकान दुकान जमीन जायदाद फ्लैट के कारखाने के लोन को कवर करेगा, अगर कवर करेगा तो किस तरीके से करेगा, क्या प्रोसेस होगा, क्या ये लीगल है, क्या ये लीगल तरीके से काम करेगा, क्या ये लीगल तरीके से आपसे पैसा लेगा, या ये भी उन 54 छापों को लगा के आपको परेशान और हरास करेगा, क्या ये आपके घर का सामान भी उठा लेगा, जैसे कि 54 छाप आके लोगों को कहते हैं भाई फ्रिज भी उठा लेंगे, सोफे भी, एसी भी, ये भी, वो भी, कार भी उठा लेंगे। अरे भाई, कल को ये कहेंगे यार बच्चों को भी उठा लेंगे। भाई साहब, तो ब्लड बैंक आ गए तो बालकों ने भी ले जाएगा कि ठाक है। तो इनसे ऐसे डरे घबराए नहीं। जो हेलो साथियों, मैं अमरदीप कादियान, नमस्ते, प्रणाम, सलाम अलैकुम, सत श्री अकाल, जय मसीह की, राम राम जी, जय माता की, जय हिंद, जय भारत। साथियों, आपका स्वागत है डिसेंट फैमिली। साथियों, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि आज मेरा थोड़ी तबीयत खराब है, गला बैठ गया है, इसकी वजह से थोड़ी आवाज़ में प्रॉब्लम आ रही है। पर आम और ख़ास आदमी के लिए आज एक बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है, तो इसलिए मुझे वीडियो बनानी पड़ी, नहीं तो इसको टाल भी मार दे। साथियों, ब्लड बैंक आ गया है, जैसा कि न्यूज़ आ रही है। जो ब्लड बैंक आएगा वो किस तरह से काम करेगा? साथियों, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, ब्लड बैंक जो है ये कोई नई चीज़ नहीं है, ये 1988 से अमेरिका में काम कर रहा है, 1988 से, और आज की डेट में बहुत से देशों में ब्लड बैंक काम कर रहा है, और बड़े उनके हिसाब से बड़े अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। ब्लड बैंक है क्या भाई? ब्लड बैंक जो है ये कबाड़ी है एक किस्म का, जैसे आपके मोहल्ले पड़ोस में, गांव में, तहसील में, कस्बे में कबाड़ा खरीदने वाले आते हैं, वो वेस्ट खरीदते हैं, अगर कि लोहा, अखबार या प्लास्टिक का सामान, जो भी, एनी वट एवर। अब वो क्या करते हैं भाई, आपने न्यूज़पेपर लिया, 200 रुपये का लिया एक महीने में, और वो खरीदते हैं उसको 20-25 रुपए का, तो 10 गुना रेट कम हो गया, मतलब 100 रुपए की चीज़ उसने ले ली 10 रुपए में। ऐसे ही बैड बैंक भी जब आएगा तो वो बैड लोन खरीदेगा बैंक और NBFC कंपनी के। ये कोई नया नहीं है यार, ये तो अभी भी बेचने लग रहे हैं। HDFC बैंक वाले कोटक महिंद्रा को बेच रहे हैं, और बहुत से बैंक वाले किसी NBFC कंपनी को बेच रहे हैं या किसी थर्ड पार्टी को बेच रहे हैं, ये तो अब भी चल रहा है, तो मैं 20 साल पहले देखने लग रहे हैं यार। एक आई थी शुरू में, एक कंपनी आई थी, कंट्री ऐसा कुछ नाम था, मेरे को पूरा ध्यान नहीं है, वो भी अपने लोन बेच गई। तो मतलब जब किसी के लिए कोई चीज़ यूजलेस हो जाएगी तो वो उसको बेचेगा ही यार, और क्या करेगा। अब पहले तो ये क्या करते हैं, 54 छाप पीछे जोड़ते हैं, फिर लोगों के पास नोटिस भेजते हैं, फिर लोगों के पास चेक बाउंस का केस कर दिया, फलाने कर दिया, 10 तरह की धमकी देते हैं, कंप्यूटर को ऑटो मोड पे लगा देते हैं और तुरंत मैसेज करता रहता है या आपके पास फोन करता रहता है। लेकिन अगर आपने फिर भी इनको पैसे नहीं दिए तो फिर ये क्या करेंगे भाई? ज़्यादा NPA करेंगे तो इनकी डेथ हो जाएगी फाइनेंशियल, इनका ही ताला लग जाएगा पीछे। तो लक्ष्मी विलास बैंक तो डूबी गया था यार, 26% NPA होगा तो उसका। अब इनके पास तरीका क्या है भाई? या राइट ऑफ करेंगे। अब राइट ऑफ करने का मतलब ये नहीं है कि बैंक के NBFC कंपनी ने अपने पैसे छोड़ दिए और वो जिंदगी में कभी आपसे लेगा नहीं या मांग नहीं सकता। उसके पास राइट्स तो हैं पैसे लेने के आपसे, उन्हें अपनी फटदी के अंदर वहां से वो उठा दिया है। क्यों? अरे क्योंकि भाई, नहीं तो उसका NPA बढ़ जाएगा तो उस पर ही ताला लग जाएगा यार, लोग तो नंगड़ हो रहे हैं, अपने आप भी नंगड़ हो जाएंगे। तो इसलिए वो उसको राइट ऑफ कर देते हैं, अपने अकाउंट में से, अपने लेजर में से, अपने खाते में से उसको हटा देते हैं, अपने बही खाते में से। लेकिन ऐसे लोन को ही बैड बैंक को बेचते हैं बैंक और NBFC कंपनी वाले। अब बैड बैंक क्या कर रहा है? अब बैड बैंक, माननीय सीतारमण जी जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है, उन्होंने इस साल जो बजट पास किया था उसमें इसको अलाउड कर दिया था बैड बैंक को। अब सवाल यह है कि 4 महीने हो गए हैं लगभग अलाउड हुए भी, तो ये आया क्यों नहीं भाई? फिर कोरोना की दूसरी लहर आ गई, उसकी वजह से दब गया,
पर इसकी प्रोसेसिंग चल रही है। इसके लिए IBA इंडियन बैंक एसोसिएशन ने 6,000 करोड़ रुपए का प्रबंध किया है, वो इसको RBI से परमिशन लेने के लिए भेजेंगे कि बैड बैंक को अलाउड कर दो। अब स्वाभाविक बात है, जब फाइनेंस मिनिस्टर ने उसको अलाउड कर दिया है तो रिजर्व बैंक भी उसको अलाउड कर देगा। अब जो आम आदमी है उसको मन में ये सवाल आता है कि भैया बैड बैंक हमारे से रिकवरी करेगा। अभी क्या है, अभी ये 100 करोड़ से ऊपर के यानी जो कॉरपोरेट लोन है उनको रिकवर करने के लिए प्रोसेस चल हुआ है, लेकिन विदेशों में ये नॉर्मल लोन को भी जो आम आदमी ने ले रखा है, पर्सनल लोन, बिजनेस लोन, चाहे वो 50,000 का है, 5 लाख का है, 25 लाख का, 50 लाख का है, उनको भी ये कवर कर रहा है। जहाँ तक मैं बैंकिंग को समझता हूँ, मैं ये समझता हूँ कि फ्यूचर में हो सकता है, पूरे पूरे चांस है कि ये आम आदमी से भी रिकवरी करेगा। और इससे डरे घबराए नहीं, आपके पास पैसे हो तो दे दे। यार ये रिकवरी किससे करेगा भाई, वह चवन्नी छाप कोई तो लगाएगा उनको, ये कोई भूत तो ना थोड़ी लेकर आएगा यार, भूत लगा देगा लोगों के पीछे, वे भूत पैसे ले लेंगे लोगों, पता है। अगर आपके पास पैसे हैं तो इनके पैसे दे दिए, नहीं तो फ्यूचर में आपकी फाइनेंशियल डेथ तो करेंगे ही करेंगे। एक इनके पास ब्रह्मास्त्र है, उसको छोड़ देते हैं, सिविल खराब कर देते हैं। फ्यूचर में कोई भी बैंक या NBFC कंपनी आपको लोन नहीं देती। अब ये क्या करेगा बैड बैंक आके, और बैड बैंक भी यार वही चमन्नी छाप को ले आएगा, वही डराएगा, वही धमकाएगा। मैं कह रहा बैड बैंक की बजाय सैड बैंक ले आओ यार, जो रोने वाले उन्हें भर्ती कर दो, जिनकी माँ बाप मरे हो ना अभी कोरोना में उन्हें भर्ती करो। अगर किसी चमन्नी छाप के भी तो मरे होंगे, उनका रिकॉर्ड कार्ड लो और वे क्या करेंगे, हाय 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 मर गए, दो तड़ पीट दो उनके लोगों के घरा गया, फिर पैसे मिल जाएंगे। भाई डरे घबराए नहीं, बैड बैंक आओ, बैड बैंक का बाप आ जाओ यार, सैड बैंक आ जाओ यार। जिसके पास पैसे नहीं है उसका शनि भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता, बैड बैंक तो क्या करेगा, फिर तो अमरीका में भी बैड बैंक पर नहीं लिए गए भाई। जिसके पास पैसे नहीं है उसका तो शनि ने घंटा बिगड़ा, ये तो सोचा ही है। तो इसी तरह की या किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत परेशानी आ रही है तो आप कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा हमारा एक चैनल और है डिसेंट ब्लॉग के नाम से, शगुन कादियान ने उसका लिंक डाल दिया है इसमें। उस पर हर रोज 7:45 बजे 7:45 पे वीडियो डलती है, शाम को मौज ले रोज ले, ना मिले तो डिसेंट ब्लॉग को खोज लें। तीज हो त्योहार हो, बार हो इतवार हो, आंधी हो तूफान हो, मी हो बारिश हो, खांसी हो जुकाम हो, नजल हो बुखार हो, चैनल डिसेंट ब्लॉग पे वीडियो डेली आएगी। नमस्कार।